इतनी तेज़ धूप हो रही है। खैर, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मुझे इतनी दोपहर में धूप में यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है, वो इसीलिए कि मैं ये बताऊंगी बाद में। अभी रोड आ गया, अभी जाके बैठते हैं चंची में। शुक्र है कि रेड बस जो है ना फ़ौरन आ गई, और खाली भी थी, अच्छे खड़े होने की जगह भी मिल गई। अभी मैं इस बात का शुक्र करी थी कि रेड बस जल्दी आ गई, बट हुआ है कि उस रेड बस का हो गया टाइम अच्छा, फिर दूसरी का वेट किया और फिर दूसरे में आकर बैठे हैं। लाइक ये भी होता है, ये नहीं पता था। और अब मुझे ये सारा कुल चल कर जाना है, सिर्फ यही नहीं बहुत सारा चल कर जाना है, बहुत सारा। मेरी टांगें दर्द करेंगी इसके बाद। अब फिर से चिंची, मतलब यार बहुत लंबा पड़ जाता है जब मैं खुद से जाती हूँ तो। नहीं तो है छोड़ो, पॉइंट में होती हूँ तो मैं सो रही होती इस वक्त, बट मैं तो जा ही 12 बजे रही हूँ। मतलब हमारी क्लास टीचर्स ने नहीं, हमारे डिपार्टमेंट ने ये फिक्स किया हुआ है कि इन लोग को कोई भी दिन सुकून से नहीं देना। और दूसरी चीज़ है कि इन्हें जो है ना सारी ख्वारी ना करवानी है, मतलब इनसे सब कुछ करवाना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ छोड़ देंगे, मतलब ग्रीन शर्ट चलवाना है तो चलवाना है। अजीब, मतलब सब करवाएंगे ये लोग, ये नहीं छोड़ेंगे, सब करेंगे। अच्छा तो सीन ये है कि अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि बज रहा है 1। मतलब जब सब यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं तो मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, और ये मैंने मॉर्निंग में एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि थर्सडे वाले दिन हमारे सिर्फ एक क्लास रख दी है, और वो एक क्लास होती है 13 बजे, तो हम सुबह से आके बैठेंगे नहीं तो फिर वो बहुत ख्वारी होती है। खैर, अभी हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। और जहाँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ ना, वो जगह बहुत अच्छी है। लाइक वहाँ ना पंखा है, वहाँ पानी बहुत गर्म आता है, और वो जगह है ये, और ये है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की लड़कियों की नमाज की जगह। या गाइस, हमें देखो अभी इतनी ऊपर जाना है, अभी ये देखो इधर, और फिर सड़ी की क्लास लेनी है। चलो अब चलो, 1 से 2 बार इधर लड़कों का भी बना है बंटवाए। मेरी टांगे ख़त्म हो गई ऊपर आते आते। कौन कौन आ गया यार? ये लाइट नहीं आ रही, ये लाइट नहीं है। ओ गाइस, ये देखो, अगर कभी किसी ने मुझसे बोला अपना स्टड्स का काम दिखाओ तो मैं ये क्या दिखाऊंगी, ये मैंने कितना गंदा किया है। मतलब सारा काम लोग वर्टिकली करते हैं और मैं हॉरिजॉन्टली करती हूँ। वो चीज आप लोगों में नजर में आई ऑन एंड ऑफ आपकी क्लास मुख्तलिफ तरीकों से। मुझे आई एम नॉट मतलब लाइक ये जो लेक्चरशिप वाली चीज होती है, 1-to-1 के ऊपर चलता है। आई एम आस्किंग समथिंग, मैंने आपसे पहले दिन रूल्स इसीलिए क्लियर किए थे, इट इज नॉट अबाउट एकदम से घबरा के 2 लिखा थर्ड हो गया। ये सब छोड़े मेरा। गाइस, वी आर डन विद होमवर्क 2। मतलब हम इतने अच्छे बच्चे हैं। नुकबा, हमने होमवर्क भी कर लिया, हमारा होमवर्क हो गया, हमारा हो गया। गाइज, वी आर सो मच इंटेलिजेंट। और क्या क्या वर्ड होता है अंग्रेजी के, जनरली बताओ। नहीं आ रहे। छोड़ो, अभी हमने नंबर्स पढ़े, अभी हमें इंग्लिश भूल रही है, मुझे तो आती नहीं है। हमने कोएफिशिएंट क्या करे, हमने कोरिलेशन एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन कर लिया, हमारा हो गया, और हम तीनों ने अपना वो भी कर लिया होमवर्क, बिकॉज वी आर द बेस्ट। मतलब तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि हम लोग ना कर चुके होते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होता। मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से बाहर निकाल के क्यों नहीं सुनाती, हम बैठे हुए रोज क्यों सुनते हैं, रोज सो रहे होते हैं हम लोग। मतलब रोजाना बेइज्जती हो रही है रोजाना पूरी क्लास की इनसे। मतलब हर क्लास में लेक्चर देती है वो 10 मिनट का, वो भी हमें जो होमवर्क भी यही क्लास में बैठ के करके जाते हैं। घर पे तो खोलते ही नहीं, आके आ जाता है। ओ अच्छा, क्या दिया था?
बाय, अबे जा रहे हैं घर जा रहे हैं हम तो, एक मिनट ना रुके। भाई, भाई, भाई।